मित्रों नमस्कार, मेरा नाम गौतम अधिकारी है। हम आज बात करने वाले हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक ऐसे विषय के ऊपर जिस विषय के ऊपर शायद पूरा भारत और पूरे भारत की आधी आबादी आज भी हिचकिचाहट के साथ बात करती है। हम एक वैसे सब्जेक्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार इसके ऊपर पूरी ताकत अपनी लगा रही है कि हम इसको कैसे इस अभियान को सफलतापूर्वक सबके यहाँ तक पहुँचाएं। लेकिन 126 प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं स्वच्छ भारत के अंतर्गत, और इस 126 प्रोजेक्ट में जो सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो सैनिटरी पैड का। उसकी वजह यह है कि भारत की 127 करोड़ की आबादी में आधी आबादी इस विषय के साथ जुड़ी हुई है, यानी महिलाओं से के स्वास्थ्य के साथ, महिलाओं के शरीर के साथ सैनिटरी पैड का उतना ही लगाव है जितना भोजन का लगाव है। आज मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, ऐसे बहुत सारे जिले हैं हमारे देश के कि जहां पर आज भी महिलाएं जब उनको पीरियड आता है तो घर के अंदर जो गंदा कपड़ा रखा होता है उस गंदे कपड़े को तुरंत इस्तेमाल कर लेती हैं। बहुत सारी जगहों पे भूसे का इस्तेमाल महिलाएं करती हैं, बहुत सारी जगहों पे मिट्टी का इस्तेमाल होता है, पत्तों का इस्तेमाल होता है, और इस विषय के ऊपर सबसे ज्यादा जो है कि तड़का और ज्यादा जो है कि तब लगा जब इसके ऊपर कोई बड़ा सुपरस्टार आके इस विषय के ऊपर इसने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई और उस फिल्म ने बहुत अच्छा कारोबार किया। मैं बात कर रहा हूं एक बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार की, जिन्होंने पैडमैन जैसी एक मूवी बनाई, और उस पैडमैन जैसी मूवी ने 28 दिन के अंदर जो कारोबार किया वो कारोबार 250 करोड़ से ऊपर था। और ये 250 करोड़ का टर्नओवर बताता है कि पढ़े लिखे लोग भी कहीं ना कहीं सैनिटरी पैड को लेके बहुत ही ज्यादा बेफिक्र या उतने जागरूक नहीं थे। लोगों ने इसी बहाने मनोरंजन के तौर पे इस फिल्म को देखा और लोगों के अंदर से अपनी बातों को मजबूती से रखने, महिलाओं को अपनी बातों को बेहतर तरीके से शेयर करने का एक मौका मिला, ताकत मिली। आज हमें भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम लोग ऐसे विषय की ओर बात कर रहे हैं, और खासकर मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं क्योंकि मैं पुरुष हूं और इस विषय के ऊपर काम करने का मौका मिला और हम आपके सामने इस चीज को, इस विषय को लेके आए। और मुझे लगता है कि अगर पुरुष समाज इस चीज को आसानी से एक्सेप्ट करना शुरू कर दे तो महिलाओं को जो इस विषय के ऊपर चर्चा करने में जो शर्मिंदगी, हिचकिचाहट महसूस होती है, उनको काफी सहायता मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। WHO की रिपोर्ट कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है, हमारे देश में 85% रेशियो महिलाओं का आज भी ऐसा है कि जो गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती हैं। मित्रों, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिस देश को डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस देश के साक्षरता को लेके क्योटो जैसे जापान की सबसे जो है पॉपुलर सिटी के साथ उसकी तुलना की जा रही है, उसको वहां पर लेके जाने की बात कर रही है। लेकिन जिस देश की महिलाओं का जागरूकता का रेशियो इतना कम होगा, वो देश कभी सशक्त नहीं बन सकता, वो देश कभी मजबूत नहीं बन सकता, वो देश कभी विश्व स्तर पे अपनी छाप नहीं छोड़ सकता। हमें लगता है जितनी भागीदारी पुरुषों की देश को आगे लेके जाने में है, परिवार समाज को लेके आगे जाने में है, उतनी भागीदारी महिलाओं की भी है। और महिला हमारे आपके परिवार की केंद्र है। हम कहीं से भी लौट के आते हैं तो घर में पत्नी के बारे में बात करते हैं, माँ के बारे में पूछते हैं, बेटी के बारे में पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनसे हम जुड़े हैं, हमसे वो जुड़ी हुई हैं। तो इस विषय के ऊपर हम लोग आगे चलते हैं बात करने के लिए। अब भारत सरकार ने 85% महिलाएं जो है, मित्रों, जो गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं है कि गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से कितनी जानलेवा बीमारियां होती हैं। जैसे मैं कुछ बीमारियों के, घातक बीमारियों के नाम गिनाना चाहता हूं। लिकोरिया की समस्या होना, आज लगभग 95% महिलाओं के शरीर में लिकोरिया की प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं के शरीर में पाया जाता है तो उनको ये लगता है कि आम बात है। इन्फेक्शन का हो जाना, यूट्रस के कैंसर, यूट्रस के सूजन, ओवरी के कैंसर, आज हर आठवीं महिला का जो एक बच्चे दो बच्चे पैदा कर ले रही है उसकी ओवरी निकालने की कंडीशन हो जा रही है। क्योंकि ज्यादातर महिलाओं के साथ यही कंडीशन है कि हर घर में अगर पुरुष की कमाई का 40% हिस्सा महिलाओं पे खर्च हो रहा है तो टोटल का टोटल गायनिक प्रॉब्लम के ऊपर खर्चे सारे के सारे हो रहे हैं। अगर उनको ये पता लग जाए कि ये सारी गायनिक प्रॉब्लम क्यों शुरू हो रही है और इसकी वजह कुछ और नहीं है, सिर्फ गंदे पीरियड्स के समय में गंदे कपड़े इस्तेमाल करने से ऐसा हो रहा है, तो अपने घर में बहुत सारे पैसे बचाए जा सकते हैं और अपने परिवार को खुशहाल रख सकती हैं और अपने स्वस्थ रह सकती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो 15% महिलाएं
पैड्स का इस्तेमाल करती हैं यानी साफ कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, दोनों में अंतर क्या है? 85% महिलाएं गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती हैं जिससे घातक बीमारियां पैदा होती हैं, और जो 15% महिलाएं जो है कि पैड यूज करती हैं, उनसे उनके पैड यूज करने से हजारों टन का कचरा, एक ऐसा कचरा जो डेली का डेली तैयार हो रहा है। समस्या दोनों तरफ है, एक तरफ कि सरकार ये चाहती है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत महिलाएं जागरूक हों और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्वच्छ पैड इसका इस्तेमाल करें, और दूसरी तरफ सरकार की ये भी चिंता है कि ये पैड के जो कचरे इकट्ठा हो रहे हैं इसको खत्म कैसे किया जाए। अब पैड कितने प्रकार के बनते हैं हम उसके ऊपर बात करते हैं। घर के कपड़े और जो बाजार में पैड बिकते हैं उस पैड के उस बाजार के पैड में और घर के कपड़े में बस फर्क इतना सा है कि घर का कपड़ा गंदा है और बाजार का जो पैड है वो साफ है, क्योंकि जो 15% महिलाएं बाजार का पैड इस्तेमाल करती हैं उनके उस साफ कपड़े या साफ पैड इस्तेमाल करने के बाद भी उनकी जो गायनिक प्रॉब्लम है उस पर कहीं से घटोत्तरी नहीं हुई है, कहीं से कोई अंतर नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि पैड कितने प्रकार के होते हैं। तो पैड दो प्रकार के होते हैं, एक पैड वो है जिसके अंदर काटन का इस्तेमाल होता है, काटन यानी रुई और प्लास्टिक। काटन, मित्रों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता भी होगा कि रुई का जो गुण है वो है गर्मी प्रदान करना या गर्मी जो है कि प्राप्त करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, रजाई गद्दे तकिया या हम अपने पहनने वाले कपड़ों में काटन का यूज करते हैं। और प्लास्टिक का इस्तेमाल पैड में इसलिए किया जाता है कि रूरल एरिया में जो महिलाएं रहती हैं वो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करती हैं, खेती के काम ज्यादा करती हैं, तो प्लास्टिक जल्दी फटेगा नहीं, उसमें से ब्लड लीक नहीं करेगा, इसलिए उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। लेकिन प्लास्टिक का भी गुण है गर्मी प्रदान करना, रुई का भी गुण है गर्मी प्रदान करना, और पीरियड्स में जो ब्लड आता है वो ब्लड भी गर्म होता है, यानी कि और साथ ही साथ जब पीरियड्स में ब्लड रिलीज होता है बॉडी से तो निगेटिव पॉजिटिव आयन बॉडी से ज्यादा निकलते हैं, जिसकी वजह से सुस्ती जैसी चीजें या आलस जैसा जो है कि महिला के साथ बना रहता है, और साथ में अगर ये तीनों गर्म रहेंगे तो इन्फेक्शन का होना लाजमी है, लिकोरिया का होना लाजमी है, या उससे रिलेटेड गायनिक प्रॉब्लम समस्याएं जो भी हैं उससे रिलेटेड वो बिल्कुल शरीर में बनी रहेंगी, वो कभी खत्म नहीं होंगी। और दूसरे तरीके का जो पैड बनता है वो पैड बनता है जेल और पेपर में, जेल प्लस पेपर में। जेल के बारे में मैं आपको बताऊं कि पूरे दुनिया में जापान, चाइना और रसिया, ये तीन कंट्री ऐसे हैं जो जेल से अपने यहां पैड बनाते हैं, इस्तेमाल भी करवाते हैं और इसको जो है अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं, सप्लाई भी करते हैं। ये क्यों करते हैं? सबसे पहले भारत के अंदर जेल फॉर्म का यूज हुआ बच्चों के डायपर के अंदर, बच्चों के डायपर में यूज हुआ। पहले डायपर में उसको टेस्ट करके देखा गया कि बच्चों की स्किन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या जो इसकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है, वो उतनी है कि नहीं है, और वो उसके ऊपर सक्सेस हो गया। अब जरूरत आ गई कि अब इसको पैड के अंदर यानी सैनिटरी पैड के अंदर भी इस्तेमाल किया जाए, और हम सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम इस विषय के ऊपर जब बात करने उतरे तो मित्रों हम जेल पैड के ऊपर ही डिस्कशन आपसे करने वाले हैं। हम ये नहीं आप लोगों को बता रहे हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं, हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि पैड क्या चीज होती है, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैड इस्तेमाल करते हैं उससे बेहतर जेल पैड कैसे हो सकता है और आपके सेहत के लिए वो फायदेमंद कैसे हो सकता है। अब जेल फॉर्म के अंदर जेल जो है एक ऐसी चीज है कि जिसकी ब्लड हो चाहे पानी हो या कोई भी लिक्विड हो उसको ऑब्जर्व करने की पावर ज्यादा होती है, और पेपर एक ऐसी चीज है कि जिसको आराम से गल सड़ाया और गलाया जा सकता है मिट्टी के अंदर डाल के। अब अगर जेल हमारे खेतों में जाएगा या मिट्टी में जाएगा तो उस मिट्टी पे अगर पानी सोखने की क्षमता नहीं होगी तो जेल की वजह से पानी सोखने की क्षमता बढ़ेगी, और जिस मिट्टी के अंदर पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है वो उपजाऊ हो जाती है, वो कारगर हो जाती है। पेपर अगर यूटिलाइज हो जाएगा, पेपर अगर जो है कि मिट्टी में सड़ेगा तो वो जो है कि कहीं ना कहीं कार्बनिक खाद का काम करेगा, ठीक है। तो अब दो चीजें हो गई कि हमने जो अपनी बात शुरू की थी वो बात दो ही थी कि हमको 85% का जो रेशियो है उसको धीरे धीरे बढ़ा के 15% के रेशियो को बढ़ाते हुए लेके आना है 100% तक, और जो हमारा हजारों टन का कचरा है उसको धीरे धीरे हमको खत्म भी करना है। तो मित्रों हमको लगता है कि हम जिस विषय के ऊपर और जिस पैड के ऊपर बात कर रहे हैं वो जेल और पेपर से बना है, तो ये दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। अब ये इसमें एक विशेष कारण है कि आपको भी पता है कि जापान पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे पावरफुल है, सबसे जो है कि ज्यादा जागरूक है।
जापान ने इस पैड के अंदर भी एक ऐसी पट्टी लगाई हुई है जिसको बोलते हैं अनायन चिप या अनायन पट्टी। अनायन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उनको दूसरी भाषा में अनायन बोला जाता है, और हमारी जो बॉडी है या ये जो पूरा ब्रह्मांड बना है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मिलने से ही बना है। हमारी बॉडी से जब ब्लड जो है जब रिलीज होता है, मतलब महिलाओं के शरीर से जब ब्लड रिलीज होता है तो उसमें से बहुत सारे आयन धीरे धीरे बॉडी से निकलने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से उनको उन दिनों में 5 से 7 दिन का जो पीरियड होता है वो बहुत ही तकलीफ भरा होता है। जापान ने इस चीज का एक बहुत ही अच्छा विकल्प निकाला, अनायन पट्टी को उस पैड के अंदर शिफ्ट किया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से ल्यूकोरिया धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से सूखापन ज्यादा बना रहेगा क्योंकि जेल है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड अब्जॉर्ब कर सकता है, और साथ ही अनायन पट्टी की वजह से एनर्जी बनी रहेगी तो उनका काम धंधे में मन लगेगा। आपको एक और जानकारी के लिए बता दूं, वो बात छूट गई थी, हमारे देश में 23% लड़कियां आज भी ऐसी हैं जब पीरियड आता है तो स्कूल छोड़ देती हैं। 6% महिलाएं आज भी हैं जिन्होंने पैड जैसी कोई चीज होती है जो पीरियड में इस्तेमाल होती है इसके बारे में सुना भी नहीं है। अद्भुत लगता है, आश्चर्यजनक लगता है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर हमें हमारी महिलाओं को जो है अभी तक इस चीज से जो है कि अनभिज्ञ रखा गया है। हमको जापान को पता है कि अगर एक महिला ड्यूटी करने जाती है और पीरियड्स की वजह से वो ड्यूटी पे नहीं आएगी तो उसको करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। चाइना को पता है, रशिया को पता है, अन्य देश के और भी ऐसे विकसित देश हैं जिनको पता है कि हमारे देश में महिलाओं की भी काम की महिलाओं की काबिलियत भी उतनी जो है कि मायने रखती है जितनी पुरुष की काबिलियत मायने रखती है। इसलिए जापान और चाइना में ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री, तो छोड़िए हमारे देश में अक्षय कुमार जी ने जब आवाज उठाई तो इसको टैक्स फ्री किया गया, और जापान और चाइना में बहुत पहले से इसको टोटली फ्री किया हुआ है। वहां पर मेडिकल स्टोर पे, जनरल स्टोर पे जो है कि लेडीज को पीरियड आता है वो जाती हैं, मांगती हैं, बगल में कमरे बने होते हैं वहां इस्तेमाल करती हैं और अपने काम पे जाती हैं। उस देश को पता है कि इनके समय को कैसे हमको जो यूज करना है, जो समस्या की वजह से ये ड्यूटी पे नहीं जा सकती, स्कूल नहीं जा सकती या किसी भी ऐसे कार्य में शामिल हो रही है जिससे देश आगे बढ़ने वाला है, तो उस समस्या के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला कि इसको टोटली फ्री किया जाए।